सो हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो गाना करेंगे कबीरा फ्रॉम कबीरा बाय जुबिन नौटियाल। सो ये एक्चुअली कबीर के दोहे हैं, तो इसका हम टैब्स देखेंगे। और ये बहुत इजी गाना है, मैं शायद आपको इसलिए शायद रिटर्न टैब्स दूँ या ना दूँ मुझे पता नहीं है, और अगर ना दिया तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और मैंने सोचा एक्चुअली ये बहुत इजी गाना है, आपको टैब्स मैंने चाहिए नहीं होगा, सो मैंने शायद इस वीडियो में नहीं दिया है। और ये बहुत इजी गाना है, आप पूरा प्ले कर दोगे, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा जो एक्शन है ये बहुत हाई है, मेरा फ्रेट बोर्ड बेंड हो गया है। सो फिर भी हम देख लेंगे, तो मैं आपको ये वाला बता दूंगा तो कैसे नोट्स उसका टैब्स। सो ये जो गाना है ये स्टार्ट होगा 10th फ्रेट के थर्ड जो सॉरी 10th फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग से। यहाँ से फर्स्ट जो इस गाने का एक सोलो पार्ट है जो फ्लूट का है, ये कुछ ऐसा प्ले होता है। तो ये देखते हैं 10th का जो थर्ड स्ट्रिंग है ये वाला, फिर 9 का सेकंड स्ट्रिंग, फिर 11 का सेकंड स्ट्रिंग, फिर 8 9 पे हैमर ऑन, फिर 8। तो ये पॉज कर करके प्ले करना, ऐसा प्ले नहीं करना, ऐसा नहीं पॉज करके करना। सो ये जो 11 का फर्स्ट स्ट्रिंग है ये पॉज होगा 3 बार, फिर 9 का फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर 8 का फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर 11 का जो सेकंड स्ट्रिंग है। तो ये पूरा पार्ट कुछ है सारा। तो इसके बाद जो गाना आता है टेंथ का थर्ड स्ट्रिंग, फिर 9th, फिर 11। नाइन दो बार, फिर 11, फिर 8, फिर 11 का जो सेकंड स्ट्रिंग है, फिर 9 का जो सेकंड स्ट्रिंग, फिर 10 का थर्ड स्ट्रिंग। अगर ये एक्चुअली ये यहाँ पे रहेगा ये फिंगर, फिर 10th के 10th पे 10th थर्ड स्ट्रिंग पे आप फिंगर रखो और प्ले करो, एक हारमोनी का साउंड आएगा ऐसा। तो ये पूरा पार्ट कुछ ऐसा रहा। तो ये नेक्स्ट लाइन है, फिर 10, फिर 9 का जो सेकंड स्ट्रिंग है ये दो बार, उसके बाद 11 का जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, 11 का जो सेकंड स्ट्रिंग है,
नाइन और एट। फिर इलेवन का सेकंड स्ट्रिंग, फिर नाइन का सेकंड स्ट्रिंग, यहाँ पे एंड होगा। तो ये जो लाइन है फिर से रिपीट होगा। सो सेकेंड टाइम जो रिपीट होगा यहाँ पे एंड होगा, ये प्ले नहीं होगा, यहाँ पे खत्म हुआ। फिर जो नेक्स्ट लाइन है, फिर एट का जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, फिर इलेवन का जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, एट इलेवन दो बार, फिर इलेवन थर्टीन, ये आप प्ले कर सकते हो, नहीं तो स्लाइड भी कर सकते हो। फिर इलेवन का जो फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर नाइन्थ का जो फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर एट का जो फर्स्ट स्ट्रिंग, तो ये कुछ पार्ट ऐसा रहा। फिर हम देखें जो 11 का जो सेकंड स्ट्रिंग है ये वाला, फिर 9 का जो सेकंड स्ट्रिंग है, फिर 10 का जो थर्ड स्ट्रिंग है ये वाला, फिर 9 का जो सेकंड स्ट्रिंग है दो बार, फिर 11 का जो सेकंड स्ट्रिंग है, फिर 9 8, यहाँ पे दो बार आप हैमर ऑन कर सकते हो। ये एक्चुअली टैब्स मैंने इजी के लिए बनाए, नहीं तो आप यहाँ पे जब भी पहुँचो आप हैमर ऑन कर सकते हो 8 से 9। ये लास्ट लाइन है, फिर जो नेक्स्ट लाइन है ये लास्ट लाइन है, फिर 10 का जो थर्ड स्ट्रिंग, फिर 9 का जो सेकंड स्ट्रिंग, फिर 11 का सेकंड स्ट्रिंग, फिर जो 9th का सेकंड स्ट्रिंग है, फिर एट का सेकंड स्ट्रिंग। तो ये कुछ ऐसा रहा। सो यहाँ पे एंड होगा जो फ्रेज है, यहाँ पे एंड होगा। तो ये है 11 का सेकंड स्ट्रिंग। तो पूरा जो पार्ट रहा तो ये कुछ ऐसा रहा। फिर हम सोलो, जो बीच में एक सोलो है वो बताऊंगा। तो ये कुछ ऐसा रहा।
ये पूरा शुरू से लेके जो फर्स्ट पार्ट है ये पूरा खत्म हो गया। उसके बाद एक सोलो है। ये जो सोलो पार्ट है ये एक्चुअली वहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से 10th फ्रेट के 3rd स्ट्रिंग से। ये जो सोलो पार्ट है 10 10, फिर 8 का जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, फिर 8, फिर 8 से 9 हैमर ऑन, फिर 11 का जो सेकंड स्ट्रिंग है, ये 3 बार प्ले होगा। उसके बाद जो लास्ट 3 बार रिपीट होगा, इसके बाद फिर 9th का जो सेकंड स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे फिर 10th का जो 3rd स्ट्रिंग ये प्ले होगा, तो एंड में ये एक हारमोनी साउंड करेगा। ये था सोलो पार्ट। तो उसके बाद फिर से ये टैब्स रिपीट होंगे। ये जो पार्ट है ये फिर से रिपीट होंगे और ये 2 बार रिपीट होंगे। तो ये था पूरा टैब्स, और आई होप आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा। ये टैब्स एक्चुअली मैंने बहुत जल्दी जल्दी में निकाला था, और अगर कुछ भी गलत हुआ हो तो कमेंट्स में बताना। और 1K के लिए और बहुत कम ही बाकी है, तो प्लीज़ 1K करा दो। और ये था पूरा टैब्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।